नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। यूपी के इलाहाबाद में जारी है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, आज जनता को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रविवार से ही इलाहाबाद में रुके हैं पीएम मोदी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गूंजा मथुरा हिंसा और कैराना में हिंदू परिवारों के विस्थापन का मुद्दा, अमित शाह ने सपा सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में है माफिया राज। शराब कारोबारी विजय माल्या ने ईडी को दिया बड़ा झटका, कुर्क किए जाने के पहले ही बेच दी संपत्ति, ईडी ने की पुष्टि। अमेरिका में 9/11 के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला, गे नाइट क्लब में शूट आउट में 50 लोगों की मौत, हमलावर ने कहा आईएस से है मेरा संबंध। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा वनडे मैच आज, जिम्बाब्वे को हराकर सीरीज जीतना चाहेगी भारतीय टीम, पहले मैच में 9 विकेट से हारी थी मेजबान टीम। और अब देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। यूपी के इलाहाबाद में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आज पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम रविवार को ही इलाहाबाद पहुंच गए थे। इस बैठक को यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की आधिकारिक शुरुआत भी माना जा रहा है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान रविवार को पीएम ने कहा कि समय के साथ संगठन में बदलाव जरूरी है और ये होना भी चाहिए। पीएम ने कहा बदलाव होते रहते हैं लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें हमेशा नए आइडिया पर विचार करते रहना चाहिए। हमारे देश में 80 करोड़ युवा है, उनके मन को पढ़ते हुए जरूरी बदलाव करना होगा। रविवार को यूपी के इलाहाबाद में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मथुरा हिंसा और कैराना में हिंदू परिवारों के विस्थापन का मुद्दा गूंजा। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी की मौजूदा सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा यूपी में माफिया राज है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मथुरा की हिंसा और कैराना में हिंदू परिवारों के विस्थापन का मामला सबके सामने है, इसके लिए यूपी की मौजूदा सपा सरकार सीधे तौर पर दोषी है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने प्रवर्तन निदेशालय को बड़ा झटका दिया है। माल्या ने ईडी की ओर से संपत्ति कुर्क किए जाने के पहले ही किसी को बेच दिया है, इस बात की पुष्टि ईडी के अधिकारियों ने भी की है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक 1411 करोड़ की जिन दो संपत्तियों को कुर्क किया जाना था उनमें से एक संपत्ति को माल्या ने किसी को बेच दिया है। माल्या ने जिस संपत्ति को बेचा है वो कर्नाटक के कुर्ग स्थित कॉफी प्लांट का हिस्सा है। ईडी के अधिकारियों ने कहा माल्या ने इस डील के जरिए कॉफी प्लांट का करीब 80% हिस्सा बेच दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश और कमलनाथ को पार्टी महासचिव और पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और वही कमलनाथ पंजाब के साथ हरियाणा का भी प्रभार देखेंगे। उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है। फिलहाल मधुसूदन मिस्त्री को केंद्रीय चुनाव समिति का नया महासचिव प्रभारी नियुक्त किया गया है और शकील अहमद को उनके प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक जहां एक और विदेशों में रखे काले धन को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों पर अपना असंतोष व्यक्त किया, वहीं उड़ता पंजाब को लेकर चल रहे विवाद पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। हालांकि इससे पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साध लिया। रामदेव ने कहा देश में नशे का इस्तेमाल बढ़ रहा है जिसे रोका जाना चाहिए। जालंधर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में नशीले पदार्थों की समस्याओं के खिलाफ पार्टी के प्रस्तावित धरने पर उन्होंने कहा पहले उनसे ये पूछा जाना चाहिए क्या उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नशीली दवाई ली है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की विशेष अदालत में आज सुबह 7:30 बजे हाजिरी लगाई। इस क्रम में लालू करीब 2 मिनट वहां रुके और फिर चले गए। चाईबासा कोषागार मामले में सजा पा चुके लालू प्रसाद चारा घोटाला के एक अन्य केस में आज सीबीआई कोर्ट में हाजिर हुए। वहीं इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। ऐसे में एक बार फिर चारा घोटाला किस केस की सुनवाई में आई तेजी ने लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ा दी है। टॉपर्स घोटाला के किंग पिन बच्चा राय का सरोकार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से जोड़ने के भाजपा नेताओं के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तीखा पलटवार किया है।
तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी के पसंदीदा मंत्री के साथ बच्चाराई के संबंध है। तेजस्वी ने ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ बच्चाराई की कई तस्वीरें शेयर की और कहा मोदी के पसंदीदा मंत्री घोटाले के आरोपी है। एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी ने कहा कि क्या चुनावी रैलियों में शामिल होने वाले सभी लोगों का चरित्र बीजेपी जांच सकती है। बिहार इंटर टॉपर घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मामले की एसआईटी जांच के प्रमुख मनु महाराज ने कहा कि इस घोटाले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद की पत्नी भी ऐसे ही रैकेट में शामिल थी। लालकेश्वर प्रसाद की पत्नी उषा सिन्हा कोई और नहीं बल्कि जेडीयू की पूर्व विधायक है। एसआईटी के छापे में लालकेश्वर प्रसाद, उषा सिन्हा के साथ दो दलाल संदीप झा और अजीत भी पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस रैकेट का जाल सिर्फ वैशाली के विष्णु राय कॉलेज तक ही नहीं बल्कि कई और कॉलेजों तक फैला हुआ है। छापेमारी में दोनों आरोपियों के घर में संस्कृत बोर्ड की कई कॉपियां मिली है। अमेरिका के ओरलैंडो के समलैंगिक नाइट क्लब में हुई गोलीबारी में कम 50 लोगों की मौत हो गई और 53 अन्य घायल हो गए थे। इस नरसंहार के बाद फ्लोरिडा में आपातकाल लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे आतंकी हमला बताया है। हमले के दौरान शूटर मतीन ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसका संबंध आतंकी संगठन आईएस से है। क्लब में गोलीबारी करने वाले की पहचान 29 वर्षीय उमर मतीन के रूप में की है। इस भीषण गोलीबारी के लगभग 3 घंटे बाद पुलिस क्लब पहुंची और हमलावर को मार गिराया। भारत की क्रिकेट टीम आज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे एक दिवसीय मैच को जीतकर 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा जमाने का प्रयास करेगी। नए और युवा खिलाड़ियों से भरी भारतीय टीम ने सीरीज के पहले मैच में मेजबान जिम्बाब्वे की टीम को 9 विकेट से हरा दिया था। जिम्बाब्वे ने भारत को 169 रनों का लक्ष्य दिया था जिसे भारत ने लोकेश राहुल की शतक पारी की बदौलत 1 विकेट खोकर मैच जीत लिया था। जिम्बाब्वे के साथ होने वाले दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में उन खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिल सकता है जिन्हें पहले मुकाबले में खेलने का अवसर नहीं मिल सका था। विवादों में घिरी फिल्म उड़ता पंजाब को सेंसर बोर्ड ने 13 कट के साथ ए सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया है। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निलहानी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिल्मों को CBFC की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए सर्टिफिकेट दिया जाता है। निलहानी ने कहा कि बोर्ड के 9 सदस्यों ने ये फिल्में देखी और आपसी सहमति के साथ 13 कट लगाने के बाद इसे पास कर दिया है और अब सेंसर बोर्ड का काम खत्म हो गया है। अब ये निर्माताओं पर निर्भर करता है कि वो कोर्ट के पास जाए या ट्रिब्यूनल के पास। आपको बता दें कि फिल्म की निर्माता कंपनी फैंटम फिल्म्स ने सेंसर बोर्ड की तरफ से सुझाए गए कट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाई कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुना सकता है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।